नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ ब्रजेश कुमार हैं और इनका रिजल्ट 67वीं बीपीएससी में भी हुआ है और ये 68वीं बीपीएससी में भी चयनित हुए हैं। तो इनसे अच्छा स्ट्रेटेजी आपको कोई बता नहीं सकता है। इनका स्टोरी भी काफी संघर्षफुल है और काफी सारे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इनसे हम पूरी चीज पर बात करेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, किन किताबों को फॉलो किया, इनका स्ट्रेटेजी जो है सबसे अलग है, काफी अलग पढ़ाई किया है इन्होंने। और दोनों बीपीएससी में रिजल्ट पाना काफी मुश्किल है, यहाँ प्री नहीं हो पाता है और दो लगातार दो बीपीएससी में चयनित होना काफी मुश्किल बात है। तो इनसे जानते हैं कैसे तैयारी किए, क्या कुछ किए। सबसे पहले स्वागत है ब्रजेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपका चयन कहाँ हुआ है और किस पोस्ट पे हुआ है। 67 बीपीएससी के थ्रू आरडीओ वीडियो के पोस्ट पे हुआ है, जिसको वीडियो कहते हैं। 68 में असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के पद पे हुआ है और 67 में आरडीओ के पद पे। आरडीओ, अच्छा। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको एक मतलब प्री नहीं निकल पाता है, आपने दो दो बीपीएससी को क्रैक कर दिया, कैसे हुआ? प्री में बताना चाहूंगा, प्री मैंने दो बार और भी निकाला है। मतलब दो बार पहले भी प्री निकाले थे 67 से पहले। 66, 67, 68 तीनों प्री मैंने क्रैक किया है। अच्छा। और ये इंटरव्यू भी मेरा थर्ड टाइम था। अच्छा। और दो बार में फाइनली सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू के द्वारा। चलिए, काफी अच्छी जर्नी है आपकी, इतना अच्छा आपने मेहनत किया है कि हर बार आपका रिजल्ट होते रहा है। तो क्या कुछ बोलिएगा छात्रों को? काफी ऐसे छात्र होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनका प्री होता है, मेंस नहीं होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है, सब कुछ हो जाता है, मेरिट नहीं बन पाता है, उनको क्या कुछ बोलिएगा? सबसे पहले तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरा होलिस्टिक रखिए। अच्छा। क्योंकि अगर आपकी होलिस्टिक स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप प्री निकाल कर मेंस में फंसेंगे, मेंस निकाल लिए तो इंटरव्यू में और फिर फाइनल में। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको छटना है। तो सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब ही ये है कि आपको मेंस और प्री दोनों मिलाकर शुरुआत से ही चलना होगा और साथ ही साथ आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान शुरू से ही अगर अच्छा है ताकि इंटरव्यू के मार्क्स में मायने रखते हैं, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में। जैसे अब 67 में मुझे थोड़ा सा कम मार्क्स मिला इंटरव्यू में, उसमें और अच्छा रैंक होता, 68 में काफी अच्छे मार्क्स मिल गए। तमाम लोग रट्टा मारने लगते हैं, चाहे वो बीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे जो भी लोग प्री की तैयारी करते हैं, रट्टा ज्यादा मारने लगते हैं क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्री में ऐसा क्या कुछ अलग करना होता है? जैसे अभी तो देखे तो अभी तो पैटर्न बीपीएससी ने बदल दिया है। बिल्कुल। अभी आपको जैसे 68 से देखे, 68-70 से, तो पैटर्न संभव उन्होंने यूपीएससी के करीब रखा है। अच्छा। ये नहीं कहूँगा कि पूरा यूपीएससी ऐसा करीब करीब उस तरह से बनाया है और आगे जाकर उसको लगभग करीब कर देंगे। तो आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह रखिए ताकि दोनों एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। आज से पहले था जिसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ज्यादा छोटा छोटा सवाल आता तो बहुत याद और रटने की जरूरत बहुत अधिक थी, लेकिन अब उतना रटने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप समझ बना के रखें और जिस तरह से यूपीएससी में प्रीलिम्स की बुक लिस्ट है उसको फॉलो करिए और साथ ही साथ एक मैगजीन और डेली एक न्यूज़पेपर, मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था और इंडियन एक्सप्रेस का जो खास करके जो एडिटोरियल सेक्शन है और खास कर जो उनके एक्सप्लेन्ड सीरीज आते हैं उसको आप अगर डेली फॉलो करते हैं तो उसमें काफी। बिल्कुल। अगर पूरे बीपीएससी की बात करें तो सबसे पहले बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको प्री से लेकर मेंस तक फॉलो करने लायक हैं? जैसे दोनों इंटीग्रेटेड जैसा कि मैंने कहा तैयारी करें आप, तो प्री के लिए तो मैं कहूंगा कि हिस्ट्री की जो अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, GS2 के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो करिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल सर का जो वीडियो था ट्रेडिशनल उसको मैंने एकदम रिटन खुद रिटन हैंड नोट्स बना के उसको मैंने अच्छे से याद किया। अच्छा अच्छा। और साथ से PT 365 और Mains 365 ये की है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अच्छा। उसको आप अगर करते विजन का जो आता है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अच्छा, अगर टेस्ट सीरीज की बात करें या मॉक टेस्ट की बात करें तो कोई पब्लिकेशन होती है जिसको लेकर लोग बैठते हैं और लगाते हैं और रूम पर टेस्ट लगाते हैं छात्र, और उनको लगता है कि हम खुद को आके कि मेरा कितना अंक आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उनके लिए कोई किताबें प्रीफर कीजिएगा? जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशली तो कोई बहुत फॉलो नहीं किया, ज़्यादातर तो रिवीजन पर भी ध्यान रहा मेरा, लेकिन पुरानी वाली मेरे पास थी किरण की जो आती है तो उसको मैंने थोड़ा बहुत अवलोकन किया, क्वेश्चन बैंक वगैरह, और मैंने SSC में तो खास करी किरण के जो इंग्लिश है अभी पीछे है ही वो, इसका अच्छा खासा उसी से मैंने अपना बेस बनाया था। अच्छा। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत फॉलो नहीं किया हूँ, डिस्कशन वगैरह अच्छा रहता है किरण में, उसमें ठीक है, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं वो लोग। परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल, अब आपकी बारी है, आज तैयारी शुरू करें ऑफिसर सेकंड के साथ। हमारे पास सभी बैचेस उपलब्ध हैं, 1-5 PRT के एक्सक्लूसिव बैचेस उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6-8 के सभी बैचेस GS के साथ विषय भी उपलब्ध हैं, थ्योरी क्लास के रूप में 9-10 में भी GS प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी GS प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध हैं। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में, डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। तो आप
मॉक के लिए किरण ठीक है। अच्छा, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता है, काफी बार उनका प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या बोलिएगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंस, पीटी और इंटरव्यू सारी चीजों को सम्मिलित करके चलते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड तैयारी की, शुरुआत से हर चीज की तैयारी करनी चाहिए, पीटी भी मेंस भी। कुछ ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम वाइज करते हैं, जैसे पीटी हो गया तो उसके बाद मेंस में लगते हैं, उनको क्या बोलिएगा? जैसे ये वो पहले का दौर था जब पीटी और मेंस के बीच आपको 6 महीने 7 महीने का गैप गैप मिलता था, तब बहुत संभावना थी कि लोग पहले प्री कर लेते थे और फिर मेंस, क्योंकि बहुत गैप मिलता था और पहले पीटीसी का रेगुलर नहीं होता। लेकिन अब इधर 2-3 साल से इन लोगों ने रेगुलर कर दिया है, तो अब आपके पास चांस बहुत कम है, क्योंकि पीटी के पास मेंस के लिए लगभग 2.5-3 महीने से ज्यादा शायद है नहीं, तो अब तो आपको इंटीग्रेटेड करना ही करना होगा, ये तो एकदम फैक्ट है। मतलब पीटी और मेंस को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा बिल्कुल, और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा आसपास के जो सोसाइटी है उससे भी सीख कर और उसको आप अपने क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और एक तरह से अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं इंटरव्यू के लिए शुरू से ही, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होता है लास्ट में जाकर रैंक भी स्टेट। इस समय जितने भी बिहार में एग्जाम्स हो रहे हैं एनसीईआरटी का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो भी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं या किसी भी पब्लिकेशन का एनसीईआरटी आधारित एनसीईआरटी बेस्ड बुक इस टाइप से आ रही हैं, तो क्या एनसीईआरटी से सही में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम के लिए अच्छा है? इसमें तो कोई शक है नहीं, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, बेस जो है वो एनसीईआरटी काफी डिटरमाइन होता है, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है जो एनसीईआरटी से कवर उतना अच्छा से नहीं हो पाता, जैसे इकोनॉमिक सेक्शन अगर आप देखें तो उसमें आप कुणाल पटेल का देख लीजिए या मेंस 365 बहुत ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन एनसीईआरटी, या एनसीईआरटी आप सिविक्स के लिए ले लीजिए, पॉलिटी के ले लीजिए, तो आप GS2 वगैरह के ले लीजिए, तो उसमें मेंस 365 काफी हेल्पफुल है रेदर देन योर एनसीईआरटी। लेकिन हाँ, बेस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी खास करके 9 से 12 वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की जो अगर बेस तैयार करनी है, इकोनॉमी कभी कभी बेसिक सवाल प्रीलिम्स में काफी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो उसको तैयार करने में एनसीईआरटी काफी कामगार है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अन्य मटेरियल्स जो है इंस्टीट्यूट के बिल्कुल। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है हर एग्जाम्स में, चाहे वो पीटी में कभी काफी ज्यादा भी करंट अफेयर्स का देखा जा रहा है, और यूट्यूब पर भी काफी अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स मिल जाता है, लोग मतलब काफी सारे टीचर हैं जो सुबह से ही करंट अफेयर्स पढ़ाना चालू कर देते हैं 10 बजे 11 बजे तक, लगभग बहुत सारे टीचर्स करंट पढ़ाते हैं, तो करंट के लिए क्या कोई स्पेशली बुक लेना है या किसी टीचर का वीडियो देख लेना है या डिजिटली जैसे यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं वहां से ले लेना है या कोई पत्रिका पढ़ना है, करंट से कैसे अपडेट रहे? जैसे करंट से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि करंट की सामग्री बहुत वाइड होती है, तो आप बाइफर्केट मत हो जाइए और किसी इंस्टीट्यूट पर बहुत ज्यादा बिलीव मत रखिए। अच्छा, करंट के लिए आपका अपना जो द हिंदू डेली एक्सप्रेस जो है एक ही पेपर करना है, पेपर फॉलो करिए, उस पेपर में भी एक्सप्लेन सीरीज जो उनकी आती है वो, और फिर एडिटोरियल है वो, और लास्ट में लोग जो दिया करते हैं वर्ल्ड वाली और इकोनॉमी वाली, और फिर एक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये 4-5 जो पेजेस हैं ये काफी हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। मम्मी पापा क्या करते हैं, कोई ऐसा फैमिली का बैकग्राउंड था जहां पढ़े लिखे लोग हों, या शुरू से कुछ छात्र होते हैं जिनको सजेशन मिल जाता है कि अगर आपको बेटा बीपीएससी करना है तो ये ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे तैयारी करनी होगी, क्या ऐसा गाइडेंस कोई मिलता था घर से? मुझे तो ज्यादातर गाइडेंस मैंने यूट्यूब से अपने टीचर से लिया, क्योंकि फैमिली में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, और माँ मेरी हाउस वाइफ है और पिताजी प्राइवेट में काम करते हैं। अच्छा, एजुकेटेड फैमिली हमारी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो हाई एजुकेटेड वो आप ही हैं। अच्छा, और देखिए किस तरह से इन्होंने तैयारी किया है, हमारे पीछे आप देखिएगा तो जो किताबें आप देख रहे होंगे एक लाइब्रेरी से कम नहीं है, जितनी किताबें इन्होंने रख रखा है, और देखिए पढ़कर इन्होंने पुराण की है पुस्तकें, देखिए कितनी पुरानी पुरानी पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा है, आप उनके कलर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इन्होंने पढ़ा है और कितनी शिद्दत से पढ़ाई किया है। 6वीं बीपीएससी में भी इनका पीटी में रिजल्ट हुआ, 67वीं में भी रिजल्ट फाइनल हुआ और 68वीं में भी रिजल्ट फाइनल हुआ, तो ये मेहनत आपको पीछे दिख रहा होगा, किताबों का जो रंग है वो आपको बता रहा होगा कि कितनी शिद्दत से इन्होंने मेहनत किया है। काफी सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन या लाइब्रेरी वगैरह हो गया, तो इन सारी चीजों का योगदान होना चाहिए कि नहीं? योगदान तो सभी का है, अगर आप सब आपके एग्जाम के पॉजिटिव मेजर से जा रहा है तो सब योगदान है, अगर लाइब्रेरी से आपको बेनिफिट हो रहा है इस एग्जाम में तो वो फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन अगर हानि है तो हानि है। मैं ऐसा कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन कुछ बच्चों का ग्रुप था जिसमें मैं लिखा करता था साथ में राइटिंग प्रैक्टिस, तो मेरे काम आया, आंसर राइटिंग के लिए लिखते थे, लिखता था साथ, आज भी लिखता हूं, तो वो काम आ गया। आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए? काफी छात्र होते हैं उनको टॉपिक पता रहता है, हर कुछ पता रहता है, लेकिन लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, मतलब एक एग्जामिनर को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ डालना होता है आंसर राइटिंग में?
आंसर आईटी में डालने के लिए तो अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए यही था कि मैं टॉपर आंसर कॉपी को फॉलो करता हूँ। अच्छा, विजन से टॉपर आंसर कॉपी ले आइए, अच्छे से उसको फॉलो करिए और देखिए मैंने क्या लिखा है। तो वो ज्यादातर यही लिखते हैं, कोई रिपोर्ट आ गया, कोई ऐसी करंट अफेयर की घटना हो गई, उसका वो एग्जाम्पल दे देकर अपने पॉइंट को ज्यादा उसको प्रबल बनाते हैं, जिसे चेक करने वालों को ज्यादा मार्क्स देता है। तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट या टेस्ट सीरीज करने वाली कोई अच्छी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये टेस्ट ले लीजिए, पूरा फुल कोचिंग नहीं करना, कहीं भी कोई अधिकांश बच्चा नहीं करता है। और दूसरा टॉपर आंसर कॉपी को साथ में रखिए और जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको कि धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करेंगे और मार्क्स बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो मेरा रहेगा टॉपर आंसर कॉपी और आपकी टेस्ट कॉपी। पहली बार जब रिजल्ट आया होगा और आप बोले होंगे मम्मी पापा से कि मेरा रिजल्ट आ गया, घर का माहौल कैसा था? काफी लोग भावुक हो गए होंगे क्योंकि सबसे बड़े हैं आप पर जिम्मेदारियां भी काफी हैं, क्या कुछ माहौल था घर का? ऐसे माहौल ये था कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन मुझे बॉम्बे निकलना था इनकम टैक्स में ज्वाइन करना। अच्छा, इनकम टैक्स में भी आपका रिजल्ट हो चुका था? सीजीएल के थ्रू बताया, जिसमें अच्छा खासा मुझे मदद मिला किरण के बुक से। अच्छा, इंग्लिश वाले बुक से जो रहता है उनका स्पेशल। अच्छा अच्छा, सबका तो SSC CGL में भी आपका रिजल्ट है और तीनों BPSC में भी आपने पहले में छठवीं में PT और इन दोनों में क्लियर कर लिया है। तो उसमें ये था कि अगले ही दिन जाना था तो सब लोग जाने की तैयारी में बेसिकली हम लोग, क्योंकि अगले ही शाम निकलना था और लगभग इसी शाम को 5-4 बजे के आसपास रिजल्ट आया। तो मैंने फिर अपना सबसे शुरू में मार्क्स देखना शुरू किया, शुरू के टॉप 100 में। अच्छा, उसमें थे नहीं, अंतिम टॉप 100 में तो थे नहीं, तो उनको लगा कि लगता है चला गया, लेकिन इतना अच्छा हिंदी लिटरेचर मेरा गया था तो मुझे लगा था नहीं कुछ तो रिजल्ट मतलब वहाँ ही जाना चाहिए, इंटरव्यू में हल्का फुल्का प्रॉब्लम से इतना नहीं घटना चाहिए। फिर स्क्रॉल करते करते मेरा नाम दिख गया, मैं सर्च नहीं मार रहा था डर से। अच्छा चलिए, लेकिन आपने उस चीज को साबित कर दिया है जो लोग सोचते हैं कि अगर हमें BPSC करना है, UPSC करना है तो हमारे पीछे बहुत सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारे गार्जियंस को बहुत सारे बोरा में पैसा भर करके हमको देना चाहिए। आपने ये साबित कर दिया है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का भी लड़का चाहता है, उसके अंदर जुनून है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपने CGL में आप क्वालिफाई हुए, इतने BPSC में आपने रिजल्ट दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और उन छात्रों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं जो छात्र मानते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा छात्रों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का अच्छे से एक बार ब्यौरा ले लीजिए, 5-10 दिन निकालिए, क्या जरूरत है उस एग्जाम में, सिलेबस को अच्छे से जानना होगा। बिल्कुल, एक बार आप बुक डिसाइड कर लीजिए, एक बार आप इंस्टीट्यूट डिसाइड कर लीजिए और एक बार आपको क्या करना है वो डिसाइड। अच्छा, मतलब भाग दौड़ नहीं करना है कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, वहाँ भी पढ़ लिया। उसका दुष्परिणाम मुझे 66 में देखने को मिला था। अच्छा अच्छा, तो वो बिल्कुल नहीं भाग दौड़ वाला काम करना, क्योंकि आप कॉपी देखी ना टॉपर की, बिल्कुल इतना समय ही नहीं, 7 मिनट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, इतना समय नहीं कि आप कहानी बनाएंगे, 5 अच्छे पॉइंट दीजिए, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव के पक्ष में लिखिए, कंक्लूजन करिए और आपका 7-8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, 10 नंबर वाली जो आती है छोटी सी, 15 नंबर वाले आपको 3-4 आयाम लेकर बनाना होगा, तो इतना समय ही नहीं कि आप किसी चीज़ में घुस घुस कर तैयारी करेंगे। आप सिलेबस को तैयार कर लीजिए, वही आपके लिए सफिशियंट है। और जैसे कि मैंने कहा जनरल में आया, तो जनरल में 2 एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लिया, एक बैंक का भी, ग्रामीण बैंक में ही था। अच्छा, तो बैंक भी और CGL भी और फिर ये भी, और मेरी तैयारी आगे जा, ग्रामीण बैंक में आप जॉब भी करते थे? 3.5 महीने के आसपास किया था, 4 महीने के आसपास। मतलब आपने हर कुछ वो किया है, जहाँ भी आपने कलम चलाया है हमको लगता है कि रिजल्ट आपने प्राप्त किया है। ऐसा नहीं, उसके पहले मैंने बताया जेई में उतना अच्छा, मतलब लेकिन ये जनरल कॉम्पिटिशन में अधिकतर आपने रिजल्ट क्वालिफाई किया, सारे एग्जाम्स में अपना बेहतर दिया, बिल्कुल बेहतर दिया मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे हमको लगता है कि काफी सारे छात्र सीखेंगे भी, जरूर सीखें और उसको अप्लाई भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन की ही है, बिल्कुल सीखने, जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो क्या आपने पढ़ा उसके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपके एप्लीकेशन से आपका रिकॉग्निशन होगा, बिल्कुल अप्लाई करिए, और निश्चित तौर पर ऐसा कोई इसमें अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है, जिस तरह से लोग तैयारी करते हैं तो सफल होने वाले उसी तरह से तैयारी करिए, आराम से जल्दी रिजल्ट हो जाएगा, इधर उधर दाएं बाएं करेंगे टाइम हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ अभी ब्रजेश जी थे और ब्रजेश जी ग्रामीण बैंक में जॉब भी किए हैं, SSC CGL इन्होंने क्रैक किया, छठवीं BPSC जो थी उसमें PT में इनका रिजल्ट हुआ, लेकिन इन्हीं कारणों से रिजल्ट मेंस में नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद 67वीं और 68वीं दोनों में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद काफी अच्छा स्ट्रेटजी भी बताए हैं, बुक लिस्ट काफी अच्छा बताए हैं, और हर चीज पर हमने इनसे बात किया, चाहे वो बुक लिस्ट को लेकर हो, ग्रुप डिस्कशन को लेकर हो, मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर हो, कोचिंग्स को लेकर हो, हर चीज पर हमने बात किया, और हमको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी प्रभावी होने वाला है, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट वो भी एक व्यक्ति, हमको नहीं लगता कि शायद किसी भी
वीडियो में आप लोगों को इतना अच्छा से कोई स्ट्रेटेजी बताया होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपका भी प्री होता है, मेंस नहीं होता है, अगर आप में भी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं पढ़ने में, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपर से इन सारी चीजों पर हम बात कर पाए। बाकी इनका आपको स्ट्रेटेजी कैसा लगा, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी लगी, जरूर कॉमेंट कीजिएगा। बाकी इनका जो मेहनत पीछे मेरे दिख रहा है वो भी आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।